हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू गाइस वेरी गुड। तो गाइस, आज मैं व्लॉग करने जा रहा हूँ दिल्ली के सेकंड हैंड फर्नीचर मार्केट का। आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा दिल्ली की इस ओल्ड फर्नीचर मार्केट के अंदर इतने कम पैसों में घर का सारा फर्नीचर मिल जाता है। और गाइस, इस मार्केट के अंदर सारा फर्नीचर का सामान इतना कम पैसों में मिलता है, आप लोग तो ये वीडियो देख के हैरान हो जाओगे। तो चलिए गाइस, फटाफट निकलते हैं और आप लोगों को भी दिखाता हूँ आज ये दिल्ली की ओल्ड फर्नीचर मार्केट कहाँ पर है, कैसे जाएंगे, क्या क्या रेट्स हैं वहाँ पर, क्या क्या सामान है। तो बने रहिए वीडियो में, लेट्स सी। तो गाइज, अभी हम लोग घर से निकल गए हैं और देखते हैं मार्केट पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा। तो गाइज, अभी हम लोग पहुंच गए हैं यमुना नदी के पास, कालिंद्री कुंज ओल्ड फर्नीचर मार्केट दिल्ली। और गाइज, जब आप लोग दिल्ली से नोएडा एंटर करेंगे तो साइड में ये पूरी ओल्ड फर्नीचर मार्केट आप लोगों को दिखेगी। बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे। तो गाइज, यहीं से स्टार्ट हो जाती है ये सारी ओल्ड फर्नीचर मार्केट। तो अभी मैं स्कूटी पार्किंग में लगा के आप लोगों को करवाता हूँ इस मार्केट का पूरा टूर। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, वरना गाइज मैं आप लोगों को इस वीडियो में इस मार्केट का पूरा नॉलेज बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अभी मैं आ गया हूँ पहली शॉप के अंदर और आप देख सकते हैं मेरे सामने कितने प्यारे प्यारे बहुत सारे सोफा सेट रखे हुए हैं यहाँ पे। गाइज, ये यहाँ पर आप लोग जितना भी फर्नीचर देख रहे हैं ये सारा बड़े बड़े अमीर घरों से, कोठी बंगलों से उठ के आता है और सब कुछ ही सारा कबाड़ के रेट में आता है। गाइज, यहाँ पर सोफा सेट स्टार्ट होता है सिर्फ 5,000 रुपए से। और गाइज देखो, थोड़ी बहुत तो आप लोगों को यहाँ पे बार्गेनिंग भी करनी पड़ेगी अगर आपको करनी आती है तो, वरना आपका यहाँ पे थोड़ा सा लॉस भी हो सकता है। और गाइज, यहाँ पर सारा फर्नीचर A1 है। मैं आप लोगों को सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकते बिकॉज आप लोग घर पे बैठ के मेरा व्लॉग देख रहे हो और ये सारा फर्नीचर मैं अपनी आंखों से यहाँ पे लाइव देख रहा हूँ। तो गाइज, मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आप लोग इस मार्केट विजिट करते हैं तो आप लोगों को लगने वाला है एक बहुत बड़ा शॉक, बिकॉज जब आप लोग यहाँ की चीज देखेंगे और प्राइस जानेंगे तो आपका मन यही कहेगा मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, जैसे कि अभी मेरा मन कर रहा है। क्या बोला तूने? बट गाइज, सच में यार मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है यहाँ की चीज देख के और प्राइस सुन के। गाइज सीरियसली, मुझे यहाँ की सोफा सेट तो बहुत पसंद आया। मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि प्लीज आप लोग 40-50 हज़ार रुपये नए सोफे में मत डालिए, यहाँ पे आइए आप लोग 12 से 15 हज़ार रुपये में एकदम A1 सोफा लेके जाइए। बहुत अच्छी क्वालिटी है यहाँ पे और ये सारे ब्रांड के अच्छे क्वालिटी के फैब्रिक के सोफे बने होते हैं यहाँ पे। गाइज, एक झलक पहले आप लोग सोफा देखिए, सारे सोफे एकदम न्यू हैं और गाइज यार बैठने में भी बहुत ही कंफर्टेबल है यहाँ पे। अगर आप किसी भी सोफे पे बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील होगा, ऐसे कोई हार्ड वगैरह नहीं है, सारे सॉफ्ट हैं, अच्छे भी हैं। और यहाँ पर जो पिलोज हैं सोफे की, वो सोफे में ही अटैच हैं, सबसे अच्छा वर्क मुझे ये लगा है। और अगर आप लोगों को ऑफिस या घर के लिए चेयर की रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और गाइज, यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से अच्छा सोफा 12 से 15 हज़ार के बजट में मिल जाएगा, वो भी विद सेंट्रल टेबल के साथ। एक शॉप और आगे विजिट कर ले आप। गाइज, फाइनली काफी घूमने के बाद मुझे अपने घर के लिए एक सोफा सेट पसंद आया, ये वाला आप देख सकते हैं कितना कंफर्टेबल है। इस पे मैंने बैठ के देखा और सबसे अच्छी बात, मुझे इसके कुशंस बहुत प्यारे लग रहे हैं और बैठने में भी काफ़ी कंफर्टेबल है। और गाइज, इस सोफे को देख के सबसे बड़ा मुझे प्लस पॉइंट ये मिला कि ये जब मैं इसको ड्राइंग रूम में डालूंगा तो ये मेरे ड्राइंग रूम का ज़्यादा स्पेस भी कवर नहीं करेगा और अच्छे से सेट भी हो जाएगा। ये 7 सीटर सोफ़ा है एंड इसके साथ मुझे 2 मफीज़ भी मिल रही हैं बैठने के लिए, तो बैठने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ड्राइंग रूम में, चाहे कितने भी मेंबर हो जाएं। तो फाइनली मैं इसको परचेस कर रहा हूँ बिकॉज जितना ज़्यादा घूमूंगा उतना कंफ्यूज हो जाऊँगा, इसलिए मैंने इसको डन कर दिया। और गाइज, यहाँ पर आप लोगों को कुछ घर के लिए एस्थेटिक डेकोरेशन सामान भी मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा सामान है ये, सब लोग ढूंढते रहते हैं मार्केट में, बहुत जल्दी मिलता नहीं है। बट गाइज, यहाँ पर ये सारी चीज़ें भैया ने 50% सेल पर लगा रखी हैं। ऑफिस या घर के लिए आप लोग यहां से अच्छे अच्छे टेबल्स भी परचेस कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, और बहुत ही अच्छे अच्छे यहां पर ड्रोर भी हैं, शूरेग वगैरह भी आप यहां से ले सकते हो। टेबल्स तो बहुत एकदम फ्रेश हैं, सारी न्यू दिख रही हैं मुझे, चेयर्स टेबल सब कुछ गाइज यहां पर अच्छे बेस्ट प्राइस में मिल जाएगा। तो गाइज, मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को अच्छा और सस्ता सामान चाहिए तो एक बार आप लोगों को इस मार्केट ज़रूर विजिट करना चाहिए। गाइज, अगर मैं सोफ़े की बात करूँ तो सोफ़ा तो आप लोगों को यहाँ पर एक नज़र में पसंद आने वाला है क्योंकि इतनी मस्त चीज़ है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पर घर के यूज़ के लिए।
तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को आज का ये ब्लॉग? दिल्ली ओल्ड फर्नीचर मार्केट के बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में काफी जानकारी दी है और इस मार्केट का नाम है कालिंद्री कुंज ओल्ड फर्नीचर मार्केट, ये नोएडा की साइड पड़ती है। तो गाइस इस टाइप के और भी ब्लॉग देखने के लिए फटाफट आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गाइस जल्दी से कॉमेंट कर दो कि अब आप लोगों को और कौन सी मार्केट का ब्लॉग देखना है। तो जल्दी मिलते हैं और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।